हेलो एवरीवन, मैं सब सुमन व्यास लखनऊ से हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पोटली कबाब और फ्लेवर ग्लास। पोटली कबाब है, अवध का है, तो इसको मैंने थोड़ा फ्यूज़न किया है। और फ्लेवर ग्लास में मैं तीन तरह के रबड़ी बना करके उसमें मैंने फ्लेवर दिया है। साथ में मैं कुछ उसमें फ्रूट्स यूज़ करूँगी और फ्रूट्स के पल्प यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये हम बना रहे हैं, तो हमारे मैं दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह से और उड़द दाल और मसूर का दाल को सोक किया था फुल नाइट, और सुबह मैंने इसे हल्दी और नमक डाल करके बॉईल कर लिया था। और फ्रेंड, मैंने गाजर, कैबेज, शिमला मिर्च, इन तीनों को एकदम बिल्कुल फाइन चॉप किया है कि हमारे कबाब टूटे ना। इस तरह से हम फाइन चॉप कर लेंगे। टमाटर का डिप बनाया है जो हम गार्निशिंग में लेंगे। पोटैटो मैंने मैश करके रखा है। ये सॉल्ट है, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और ये घर का गरम मसाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम यूज करेंगे। देन ग्रीन चटनी है, अमूल का घी है। पोटली के लिए मैंने और कुछ गार्निशिंग के लिए मैंने कटिंग करके रखे हैं इस तरह से, कुछ डेजर्ट के लिए कुछ। तो फ्रेंड, हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और इसमें हम एक चम्मच का घी डालते हैं। अमूल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अमूल का कोई मुकाबला नहीं है। अमूल का घी बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, दानेदार होता है, पहचान ये है। हम से सुनते आ रहे हैं अटली बटली और अमूल हम से, तो अमूल थैंक्स अमूल, आपने हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया। फ्रेंड्स, गरम हो गया है। मैंने जिंजर गार्लिक, मैंने रेड चिली लिया था, रेड चिली पेस्ट है, गार्लिक है, भर कर डालूंगी। यहाँ बारिश बहुत लगी है, प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड थोड़ा कॉपरेट करिए। देखिए हमारा जिंजर गार्लिक और चिली यूज किया है, ये हल्का सा ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हम दाल को ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा गरम हो जाए हमारा दाल। और देखिए मेरे दाल, आप देखिए कैमरा पे फोकस करते हैं, हम दाल मेरे बहुत ज़्यादा पीसे नहीं है, मैंने पीसा नहीं है, जितना उबलने में हुआ। और मैं स्पैचुला से अब इसको थोड़ा सा और मैं उसको कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम इसे ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ। साथ ही इसी पैन में मैंने दाल जो निकाला था, इसमें मैं फिर से अमूल का घी यूज कर और जो मैं टॉप करके शिमला मिर्च और कैबेज और गाजर रखा था, ये मैं डालूंगी। आपने बहुत सारे कबाब सुने होंगे, गलावटी कबाब, काकोरी कबाब,
तब मैं हर तरह के कबाब, कोई राजमा से बनाता है तो कोई चिकन मटन से, कोई सोया चंक से, ये बिल्कुल डिफरेंट है। दाल के कबाब काफ़ी अच्छा लगता है और पोटली में जाके इसका फ्लेवर एक कबाब का भी देता है, साथ में एक इसमें हम जिसमें कहते हैं कचौड़ी, कचौड़ी की तरह भी फ्लेवर देगा। तो मैं इसे डाल रही हूँ। किसी को आप सकते हो, इतना कलरफुल लग रहा है। अब मैं इसकी ऑलरेडी नमक है तो इसमें भी हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। साथ में इसमें मैं बॉइल्ड पोटैटो डाल, चार पोटैटो को मैश किया था, मैं हाफ डाल रही हूँ। और मैंने पनीर का 200 ग्राम का पैकेट था तो मैंने उसका 1/4 ग्रेट किया है, मैं वो यूज। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। हमारा मिक्सिंग भी हो जाएगा, साथ में थोड़ा सा हमारा वेजिटेबल भी गल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें मैंने कबाब का मसाला बनाया है, होल गरम स्पाइसेस है, जितने भी स्पाइसेस हैं मैंने लिया है। मैं इसमें 2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर और घर का कुटा थोड़ा सा गरम मसाला। आइसक्रीम के साथ मैंने रबड़ी यूज किया है, उसमें फ्लेवर दिया है, फ्लेवरफुल है, आप देख सकते हो। आपका मसाला डाला है तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया बिल्कुल। फ्रेंड्स अब इसे हम एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये हो गया है। पहले डाला था मैश पोटैटो, इसमें मैं आप देख सकते हो इस तरह से गार्लिक पेस्ट डाल करके अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो मैंने बनाया था, और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मैं फैला करके इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। फिर से बता दीजिए। इसमें मैंने सबसे पेस्ट डाला, अमूल घी पैन में डाला और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। फिर मैंने चना करा था, चना दाल, मसूर दाल और उड़द दाल, इसको मैंने रात भर सोक किया था। सुबह मैंने इसमें हल्दी डालकर, नमक डालकर एक सीटी लगा दी और ये इस तरह से गल गया। देखिए फ्रेंड्स, दाल मेरा कुछ कुछ खड़ा भी है, बहुत ज्यादा मैस नहीं करना है कि हमारे अच्छा। और तो इस तरह से मैंने इसमें डाल कर ली थी उबालते समय ही। फिर मैंने एक पैन में घी डाला, उसमें मैंने जो फाइन चॉप करके शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज रखा था उसको मैंने सौते किया, साथ में मैंने उसकी सीजनिंग की और मैंने कबाब का मसाला, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर डाला और इसे मैं ठंडे के लिए फ्रेंड्स रख कर आती हूँ।
पोटली के लिए हम मैदे में देसी घी मैंने डाला है, इस तरह से मैंने देसी घी डाला है और नमक डाला है। अब मैंने इसका बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, देख सकते हैं आप, इस तरह का डो बना लिया है। तो इससे हम पोटली बनाएंगे अपनी, कबाब की पोटली, दाल कबाब अंदर स्टफिंग होगी दाल कबाब की। पोटली के अंदर मैं जो पोटली बनाऊंगी दाल कबाब, उसमें स्टफ कर करके मैं सर्व करूंगी। आप देख सकते हो मैदा इस तरह से गूंधा रखा है और मैं तावा अपना ऑन करूंगी, तावा में गरम करने के लिए रखूंगी। उस बार काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप रोटी कैसे बनाती हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों को बताऊं कि मैं रोटी किस तरह से बनाती हूं। आप ये रोटी स्प्रिंग रोल में भी बना सकते हैं, और मैंने एक अभी लाइव दिया था उसमें मेरा था मीनार रोल, उसमें भी आप यही रोटी यूज कर सकते हैं। तो मैं आज बता देती हूँ किस तरह से मैंने बनाया था। सरफेस को हम क्लीन कर लेंगे अपना, और इसकी छोटी छोटी हम इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। देखिए आप, इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे और इसे हम ऐसे गोल करेंगे और इसे अमूल घी में इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारा एक सेट हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग आटा यूज कर सकते हैं। आप इसमें मैदे की जगह आटे की रोटियां बना सकते हैं। इस तरह से हम इसे बेलेंगे, जितना पतला हमारा आप इस रोटी को फ्रेंच रोल में यूज कर सकते हैं। आटे में प्रॉब्लम नहीं होता है, मैदे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैदा स्टिकी होता है, तो मैदे में बेलने में प्रॉब्लम होता है, आटे में तो बड़े इजीली बेल जाता है। आटे का जब हम बनाते हैं तो हमें ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता के लिए, आराम से बेल जाता है, लेकिन जल्दी चिपकता है। देखिए हमारी रोटी सिक गई है। इसमें आप चार परत आपका मन हो से इसे निकाल सकते हो। बड़े इजी वे में ये रोटी निकल गई मेरी इस तरह से। एक तरफ कच्ची है, एक तरफ पकी है, आप देख सकते हो एक तरफ कच्ची है और एक तरफ पकी हुई है रोटी। आप क्या बना रही हैं? दाल के कबाब है, मैंने उसमें पोटली कबाब नाम दिया है, मैं इसको पोटली का शेप में प्रेजेंट करूंगी। मेरे कबाब ठंडे भी हो रहे हैं।
तरह से हम अपनी पोटली के लिए देखिए हमारी रोटी कितनी इजी वे में निकल रही है। इस तरह से आपकी दो रोटी रेडी हो गई है। आपका मिश्रण भी अच्छे से ठंडा हो रहा है। अब मैं इसे जल्दी से सेव दे दूंगी क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी होता है, क्योंकि हमें डेजर्ट भी बताना है। आप देख रहे हो दाल बिल्कुल दिख रहे हैं कि ये दाल के कबाब हैं। तो मैं इसे मैं इसमें तवे पे अमूल घी अप्लाई कर रही हूँ। और मैं कबाब डालूंगी इसमें। हैं और कभी कभी तो हम पूरा उठाते हैं, एक बड़ा सा डाल देते हैं, हम इसे सर्व करके पोटली कबाब सर्व करते हैं। इतना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में और मुझे तो काफी अच्छा कबाब का एरोमा आ रहा है। और अमूल घी में कबाब बनाने का तो अपना ही मजा है। और जब भी आप कबाब बनाएं तो अमूल का पनीर यूज करें, क्योंकि अमूल का पनीर जो है काफी स्टिक होता है तो काफी अच्छा कबाब में देता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है तो इसे काफी अच्छा बनता है। उड़द की दाल है इसमें, मसूर की दाल है और चने की दाल है। क्वांटिटी है, मैंने एक एक कटोरी लिया है। एक एक कटोरी आप लेंगे तो बिल्कुल रेशियो बिल्कुल निकल कर आएगा। और मैंने एक शिमला मिर्च और एक गाजर और पत्ता गोभी, मैंने कैबेज जो है मैंने 1/4 से भी कम लिया है कैबेज। रेसिपी है किस चीज की? दाल के कबाब की। ओके एक मिनट मैं जैसे इसे बेल लूं। और हमारा देख सकते हैं दिया है गैस का। सुबह बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मैम, प्लीज कोऑपरेट मैम। इस तरह से हमारे कबाब भी सिक रहे हैं, आप देख सकते हो। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, में आप दोनों में खा सकते हो। खाना चाहे तो इसे ऐसे ही रोटी के साथ खा सकते हो। और ये जल्दी टूटता भी नहीं है, बड़े आराम से बन जाता है। इस तरह से देखिए मैं रोटियां अपनी पोटली के लिए रख रही हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो, हमारा कबाब भी सिकता रहे और हमारा ये रोटी भी बन।
हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बिल्कुल इसका कच्चापन निकल जाए। इसे इस तरह से पलट के हमें सेक लेना है। ये टूटता नहीं है, मैं तो बड़ा रफली इसको पलट रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है। देखिए हमारा कबाब लाल हो गया है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। हमारा पैन गरम है तो मैं जब तक मेरी कबाब भी ठंडा हो रहा है तब तक मैं पैन का बेनिफिट ले लेती हूँ। हम इसमें थोड़ा सा अमूल का घी यूज करेंगे, ये डेजर्ट के लिए मैं कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ, कलर अच्छा आ जाए, कैरमलाइज हो जाए अच्छे से। ये फ्रेंड्स डेजर्ट के लिए है, मैं तैयारी करके रख रही हूँ डेजर्ट का। आपने कचौड़ी बनाया है क्या? नहीं, मैंने कचौड़ी नहीं, मैं कबाब बना रही हूँ, दाल के कबाब है। इसे मैंने डाल लिया है, वेजिटेबल यूज़ किए हैं, फुल प्रोसीजर कबाब का है बिल्कुल। इस तरह से हम इसे तवे पे हल्का सा कैरमलाइज करेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि पाइनएप्पल जो है बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ। और मेरी मौसम्बी अभी बन नहीं हुई है, थोड़ा सा और कुछ देर मैं तवे पे छोड़ रही हूँ। इस तरह से अब हमारा कबाब रेडी हो गया है। ये क्या है? ये गार्निशिंग की तैयारी है। अब आप देख सकते हो इस तरह से जो हमने कबाब बनाया है उसे हम बीच में रखेंगे। और इसे इस तरह से इस तरह से हम बना के रखेंगे पोटली की तरह। देखिए हमारा कबाब इस तरह से रखा है और देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे इसके चुन्नट डालते हुए इस तरह से प्लेट्स बना रही हूँ।
इस तरह से मैंने और जिसको फ्राई करना नहीं पसंद है, जैसे मैंने अभी रोटी बताई थी, तो आप रोटी में भी इसको इस तरह कर करके सेक सकते। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा पूरा कबाब डाला है, एक कबाब आप यूज करिएगा, इसमें ज्यादा मतलब अच्छे से फीलिंग आएगी तो खाने में काफी मजा आएगा। जितनी हमारा ऑयल भी अच्छे से हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई है। फ्रेंड, हम अपना ऑयल मैंने इसमें डाला है कि ताकि हमारा जितना भी है ये ऊपर का टॉप जो अच्छे से बिल्कुल हो जाए, इसलिए मैंने पैन यूज किया, कढ़ाई यूज नहीं किया है। हमारा घी बहुत तेज है थोड़ा, और इसे हम स्प्रिंग ऑनियन इस तरह से लेंगे, इस तरह का स्प्रिंग ऑनियन से हम इसे बांधेंगे। डाली है बिल्कुल, जो हमने रोटी बनाया, इसके मैं सारे कोने जो है निकाल लूंगी। हमारा पोटली सिक रहा है, नहीं है मैम, नेटवर्क इशू है, मैं क्या करूं, मैं खुद ही रियलाइज कर रही हूँ ये वीडियो। जो हमने रोटी सेकी थी, लेयरिंग कर रही हूँ इस तरह से, ये हमारी लेयरिंग हो गई है। हमारी पोटली भी बनकर तैयार है।
जो हमने कबाब के लेयर बनाए हैं इसे हम सेकेंगे। इस तरह से हमारा कबाब सिक रहा है, आप देख सकते हो मैंने तीन लेयर किया है। आज बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरह से हमारे रोटी के साथ कबाब सिक रहा है, साथ में मैं जो डेजर्ट बनाने जा रही हूँ मैं उसका प्रिपरेशन करूँगी, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से देखें। मैंने दो और मैंने एक बनाया है, देखिए हमारा कबाब भी का पराठा भी सिक गया अच्छे से। और मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ, इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेब को जो कैरमलाइज किया था, एप्पल को मैं वो डाली हूँ। साथ में मैं यूज कर रही हूँ अमूल का केसर पिस्ता। बैड कैमरा। इस तरह से मैंने ये यूज किया। इसके बाद कुछ एप्पल्स मैंने काट के रखे थे जूलियंस में, मैं वो डाल रही हूँ। बार तो क्लियर रहता है, इस बार थोड़ा कॉपरेट करिए, बारिश की वजह से आपको आवाज भी आ रही है किस तरह से बादल गरज रहे हैं, बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। फिर इसमें हम कीवी का, मैंने कीवी क्रश किया है रबड़ी में कीवी को, और इस तरह से मैं डालूंगी इसमें। पहले क्या डाला था? पहले मैंने रबड़ी, फिर मैंने इसमें अमूल का केसर बादाम ड्राई फ्रूट्स वाला आइसक्रीम डाला है। अब मैं फिर यूज कर रही हूँ साथ में जो मैं ये मैंने केसर और बादाम दोनों को अच्छे से पीस लिया है दूध में भिगो के, जैसा वो मैं यूज कर रही हूँ। साथ में इसमें हम कुकीज आइसक्रीम गोल्ड अमूल का यूज करेंगे। इसमें कुकीज क्रश करके है यूज मिला है, और साथ में मैं यूज कर रही हूँ अमूल का राजभोग, काफी टेस्टी है ये।
आप यूज करिए और आपको काफी अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं इसको लॉक कर रही हूं। हमारा डेजर्ट रेडी है। अब हम कबाब की प्लेटिंग करेंगे। जो मैंने टमाटर सॉस बनाया था अपने लिए, मैंने टमाटर और इसमें अदरक और लहसुन क्रश करके डाला है। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल फाइन चॉप नहीं है। मैंने इसको हल्के से चॉप किया है टमाटर को बॉईल करके, और मैंने इसे फिर इसमें घी डालकर थोड़ा सा इसे सौते किया और इसकी सीजनिंग की है। तो पहले मैं ये डालूंगी। इस तरह से हम फैला लेंगे। और हम स्प्रिंग ओनियन से नॉट बनाए। स्प्रिंग अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, काफी बड़े बड़े स्ट्रिप मिलते हैं इसके, तो काफी अच्छा लगता है देखने में। इसे हम इस तरह रखेंगे। हल्के हाथ से नॉट लगाकर गार्निशिंग करेंगे इसकी। हम इस तरह से, हमने डिप बना के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ
एक साइड पे चटनी का, जो हमने रोटी सेकी थी इसमें कबाब मैंने फिल किया था उसे मैं इस तरह रखूंगी। और ये मैंने टमाटर का सॉस बनाया था जो इस पे अप्लाई करेंगे हम इस तरह से। आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है फ्रेंड्स, आप कंप्लीट कर दूंगी। देख सकते हो हमारा पोटली कबाब रेडी है। लाइट का इशू भी बहुत ज्यादा है बिल्कुल। मैं चटनी की एक लेयर दूंगी ताकि हमारा इधर उधर से दोनों तरफ से ये गिरता रहे। आप देख सकते हैं हमारा पोटली कबाब भी रेडी है के साथ साथ में मैंने फ्लेवरफुल ग्लास बनाया है वो भी रेडी है। रोटी के साथ कबाब बनाई थी पराठा बना करके, इसकी मैंने लेयरिंग की है। आप देख सकते हो ये 3 लेयर्स में है और इसमें चटनी अगल बगल से बह रही है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लाइव आप बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू अमूल, थैंक यू एवरीवन। फुल ग्लास आप ट्राई करिएगा, वाकई बहुत टेस्टी लगता है और आपके किड्स को भी काफी पसंद आएगा।